खतरों से खेलो, खतरनाक चैलेंज में भाग लो, खतरों का सामना करो, ये खतरनाक चैलेंज जीत के दिखाओ। चलो सब इस खतरनाक चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। कौन कितना सच कितना झूठ बोल रहा था, सबका खुलासा हो जाएगा। खतरनाक चैलेंज में आपके ग्रुप को कुछ ऑर्डर्स दिए जाएंगे, जो इन्हें नहीं पूरा कर पाएगा वो चैलेंज के बाहर हो जाएगा। खतरनाक चैलेंज का राउंड वन। एक, कच्चा दूध जिसमें कुछ गोबर की मिलावट पाई जा सकती है। दो, पालक सरसों और दूसरे पत्तों को घोलकर बनाया बिना नमक का हरियाली साग। तीन, कच्चा करेला जो आप निकलेंगे नहीं, चबा चबा कर खाएंगे। और ठीक उसके बाद एक गिलास नीम के पत्तों का काढ़ा। चुटकी, बहुत खूब। अब मेरा क्या होगा? करेला? राउंड टू में हर कंटेस्टेंट को दो काम करने हैं। इस टैंक में कीड़े केचुए हैं और डार्क रूम की चाबी भी। डार्क रूम की चाबी टैंक में से निकाल डार्क रूम में जाना है, जहां कुछ भी हो सकता है। ढोलू बोलू, तुम पहले जाओ, मैं बाद में जाती हूँ। अब इस चैलेंज से बाहर हो गए हैं। और सबसे खतरनाक चैलेंज फेस करेंगे। ये मैं नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं खेलना चाहती। चुटकी अब इस चैलेंज से बाहर हो गई है। अपने डर को अपने साहस से हराने वाला भीम है इस खतरनाक चैलेंज का विनर। काश की रोज माँ खाने में मक्खन वाले पराठे बनाए, कितना मजा आ जाएगा ना जग्गू। आज तो माँ ने भी खाने में आलू और गर्मा गर्म पूरी बनाई थी। तुमने खाने में क्या खाया आज भी? मैंने लड्डू। तो हमने भी बढ़िया खाना खाया है ना बोलू। पनीर मक्खन और पुलाव और उसके बाद हलवा। काश कि ऐसा खाना हमें रोज मिले। पनीर मक्खन, मेरे नसीब में सिर्फ करेला लिखा है। क्या हुआ कालिया? तीन दिन से घर में सिर्फ एक सब्जी बन रही है, करेला। मगर कालिया, तुम्हारे घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? इस बार बगीचे में सिर्फ करेला उगा है और करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, तो माँ अब रोज करेला ही बनाएगी। करेले की कड़वाहट।
अगर मुझे एक और दिन भी उसे खाना पड़ा तो मैं खुद एक करेला बन जाऊंगा। कालिया तो सच में बहुत परेशान हो गया है। कालिया, तुम हमारे घर का खाना खा सकते हो। अगर मैं घर पर नहीं खाऊंगा तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। एक आइडिया है उस्ताद, जिससे माँ भी खुश और आप भी। क्या? वो पुरानी पहाड़ी के पास आज एक टूटा तारा गिरने वाला है। उस टूटते तारे से जो भी मांगो मिल जाता है। हाँ उस्ताद, आप कुछ ऐसा मांगना जिससे करेला रहे ही ना। हाँ चलो चलो, मुझे एक आसान रास्ता बताए जिससे हम जल्दी बाहर तक पहुँच सकते हैं। चलो चलो। तो करेले जैसी नहीं हो सकती। ले लीजिए, कुल्फी दीजिए। क्या करें? कालिया, तुम ये कड़वे नीम के पत्ते खाओ, शायद कड़वी चीज तुम्हें मीठी लगे। मैं सुबह से कुछ नहीं खा पाया हूँ, मेरी मदद करो भी, कुछ करो। वो रहा। टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है। चुप्पी कालिया, वो देखो टूटता तारा। मैं हर तरह का स्वाद चख सकूं, सब कुछ पहले जैसा कर दो। नहीं, मुझे अभी भी करेले नजर आ रहे हैं। सब्जियाँ कड़वी हो या मीठी, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसीलिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए दोस्तों।